ये बताइए कि ये जो पॉइंट गवर्नर साहब ने बोला कि वी विल कीप द पॉसिबिलिटीज ओपन एंड शुड द सिचुएशन अराइजेज, यानी उन्होंने पॉसिबिलिटी क्या और भी रेट हाई अगर यहां से इन्फ्लेशन हाथ से बाहर जाता हुआ नजर आया तो एक आध और रेट हाई की पोजिशन ओपन कर दी? मदन जी कृपया करके अपने आप को अनम्यूट करें। सॉरी, यही तो इंडिकेशन है क्योंकि आरबीआई ने सेकंड क्वार्टर और थर्ड क्वार्टर का दोनों इन्फ्लेशन फोरकास्ट को इंक्रीज किया है. सो नाउ वी लुकिंग एट अबव 6% फॉर Q2 और Q3 के लिए 5.7% है. पहले तो 5.4% था. तो इसका ये मतलब है कि, और ये भी एज्यूम कर रहे हैं कि ये नॉर्मल मानसून है, तो मान लीजिएगा कि ये एलनीनो की इफेक्ट से जो अगस्त में, वैसे तो फोरकास्ट है कि अगस्त में जो भी इम्पैक्ट होने वाला है अगस्त में होगा. इट्स क्वाइट पॉसिबल दैट कोई ना कोई खरीफ क्रॉप्स में प्रॉब्लम हो सकता है, इन विच केस इन्फ्लेशन कैन ऑल्सो गो अप फर्दर. तो इसी का बफर करने के लिए आरबीआई गवर्नर साहब ने ये बोला है कि अगर इन केस वी रीच द सिचुएशन में इन्फ्लेशन नंबर गोज हायर देन व्हाट दे हैव प्रोजेक्टेड, वो पॉसिबिलिटी भी हो सकता है. क्योंकि अगर हम आज आज के तारीख में जैसे हम बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ व्हेन विल द रेट्स बी कट. अभी तो एक और क्वेश्चन तो लगाना पड़ेगा कि विल द इंटरेस्ट रेट, विल द रिपो रेट एवर बी इंक्रीज ऑल्सो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द ईयर. जैसे कि पहले हमारा ये एक्सपेक्टेशन था कि अर्लीस्ट जब रेट कट हो सकता है वो फेब्रुअरी पॉलिसी में होगा. अभी हम उसको चेंज करेंगे कि इट कैन हैपन ओनली इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर. और बीच में ये पॉसिबिलिटी भी है कि अगर इन्फ्लेशन आरबीआई के एस्टिमेट से ज्यादा होता है, देन देयर विल बी अ पॉसिबिलिटी आल्सो फॉर रेट हाइक. तो उसी का विंडोज ओपन किया है आरबीआई गवर्नर. ओके, ऑल राइट. तो आगे के विंडो तो ओपन होती दिख रही है बिल्कुल. अवनीश, आपसे भी एक टेक लेना चाहेंगे. इनफैक्ट यही सेम क्वेश्चन, आपका रिएक्शन क्या होगा? क्योंकि ऑफ कोर्स जो इन्फ्लेशन का एस्टिमेशन बढ़ाया है तो यानी विंडो तो ओपन हुई है, आगे पॉसिबिलिटी भी हो सकती है. आप कैसे देख रहे हैं? गवर्नर साहब ने सीधा काफी ठीक से बोला है कि ये इन्फ्लेशन टेम्परेरी है और ये फूड प्राइसेस से ड्रिवन है। तो जनरली आरबीआई और एनी सेंट्रल बैंक ना फूड प्राइसेस पे कभी रिएक्ट नहीं करते हैं अनलेस दे सी सीपेज इनटू द कोर प्राइसेस। उन्होंने ऑल्सो ये भी बताया कि कोर प्राइसेस 100 बेसिस से नीचे आए हैं फ्रॉम द हाईएस्ट लेवल। तो वो उन्होंने थोड़ा सा डविश टोन डाला है उधर भी, बट ओवरऑल तो मदन ने ठीक ही बोला है कि अभी जो रेट कट का एक्सपेक्टेशन है वो आई थिंक FY25 में कभी होगा, बिकॉज अभी आरबीआई ने जो FY25 के फर्स्ट क्वार्टर का एस्टिमेशन दिया है इन्फ्लेशन का वो भी 5.4% दिया है, विच इज वेल अबव 4% टारगेट। और उनका उन्होंने कई बार रिट्रिएट किया है कि 4% का टारगेट हमारे को अचीव करना है। तो रेट कट तो अभी काफी दूर लगता है अनलेस ये, बिकॉज अगर ग्लोबली कुछ एक्शन हो जिसमें कि फेड के रेट कट करने लगे जोर से और बाकी सेंट्रल बैंक के कट करने लगे तो आरबीआई थोड़ा फॉलो कर सकता है उनको, बट अपने आप अपने फंडामेंटल्स पे अभी रेट कट का सिचुएशन नहीं नजर आ रहा है इस ईयर में। और आई थिंक प्रॉब्ली फर्स्ट क्वार्टर ऑफ FY25 अगर इन्फ्लेशन ट्रिजेक्टरी के साथ रहता है तो उस टाइम पे हम सोच सकते हैं रेट कट की बात। रही रेट हाइक की बात, आई थिंक बार फॉर रेट हाइक इज वेरी हाई, बिकॉज कभी भी आरबीआई ने पिछले कई सालों में जब फूड प्राइसेस बढ़े हैं अनलेस उनको जो था इम्पैक्ट दिखे कोर प्राइसेस पे वो रिएक्ट नहीं करते हैं। तो और एक्सपेक्टेशन ये है कि सितंबर तक अगर नई नई फसल आएगी उसमें ये स्पेशली टमाटर वगैरह के दाम कम हो जाएंगे और उससे इन्फ्लेशन रेट नीचे आ जाएगा। तो हमारा तो ये मानना है कि हम जैसे आरबीआई ने भी बोला कि वी आर इन देयर फॉर लॉन्ग, रेट रिमेन हायर फॉर लॉन्गर ग्लोबली, तो हमारा भी वो भी स्टांस रहेगा। राइट, मुझे एक और बात पे थोड़ा सा समझना है मदन जी से। मदन जी ये बताइए कि हालांकि अभी ये बात लग रही है कि ये टेम्प्रेरी मेजर है, अभी ये भी लग रहा है कि जो इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस को बहुत छोटी छोटी दरों से बढ़ाया गया है वो भी टेम्प्रेरी है, लेकिन जो